क्या आपने भी कभी यूसी ब्राउज़र यूज़ करते वक्त इस सेटिंग ऑप्शन पे कभी क्लिक किया है? अगर नहीं किया है तो ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि ये सेटिंग का ऑप्शन क्यों दिया गया है और इसमें कौन कौन से फीचर हैं। सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपको और हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पिलानी में। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल कलर के बटन पर क्लिक करें और साथ में लगे इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें, जिससे कि मैं आगे कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। देर न करते हुए चले शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम यूसी ब्राउज़र खोलेंगे। एज यू कैन सी, यूसी ब्राउज़र खोलने के बाद यहाँ पर थ्री लाइन का ऑप्शन जो दे रखा है नीचे, इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कोने में एक सेटिंग का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए हमारा सेटिंग ऑप्शन खुल चुका है। अब मैं आपको वन बाय वन सभी ऑप्शन और फीचर्स के बारे में डिटेल्स में बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ऐड वंस का ऑप्शन दे रखा है। ये बेसिकली क्यों यूज़ किया जाता है? जब हमारे यूसी ब्राउज़र में बहुत सारे ऐड आ जाते हैं या फिर अपना मोबाइल वाइब्रेट करने लगता है तब इसका यूज़ करते हैं। तब हम इसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऐड ब्लॉकर जो ऑप्शन है इस पर हम ऑन कर देते हैं, तब हमारे मोबाइल में एड्स नहीं आएंगे। और इसके नीचे जो ऑप्शन दे रखा है पावरफुल ऐड ब्लॉकर, इस पर भी हम राइट का निशान लगा देते हैं ताकि और भी ज़्यादा सिक्योर हो जाए ऐड ना आने से। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोने में डिलीट का ऑप्शन दे रखा है, तो इस पर हम क्लिक करके सभी जो ब्लॉक्ड ऐड है उन्हें हम डिलीट कर सकते हैं। तो यही यूज़ है ऐड वंस का। और यहाँ पर नीचे डाटा यूजेज दे रखा है, तो हम इसे बेसिकली इग्नोर करते हैं, क्योंकि यूसी ब्राउज़र डाटा यूजेज करके क्या फ़ायदा होगा, नेट तो उतना ही चलेगा अपना। और देखिए दोस्तों, सेकेंड ऑप्शन है हमारा कस्टमाइज बैनर, इस पर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अलाउ डिस्प्ले, ये जो टेम्परेचर का जो ऑप्शन आ रहा है इसे हम अलाउ रहने देते हैं या नहीं रहने देते हैं। तो देखिए दोस्तों, बेसिकली यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट अभी ये डेली होरोस्कोप 69 पे क्लिक किया गया है और अलाउ डिस्प्ले पे क्लिक किया गया है, तो हम चाहते हैं हमें ओनली वेदर दिखे। देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए अलाउ 69 का ये जो हमारा होरोस्कोप का ये जो आ रहा है ये आ रहा है, और हमारा बेसिकली जो गूगल का जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र ओपन का होता है वो दिख रहा है ब्राउज़र स्टेटस बार। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद कस्टमाइज मैंने पे फिर से क्लिक करते हैं, और हमें यहाँ पर वेदर का निशान चाहिए या फिर मान लीजिए वेदर की रिपोर्ट चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 30% क्लाउडी न्यू दिल्ली ये लोकेशन आ गई है और इसने कैच कर लिया है और इसने बता दिया है अभी दिल्ली का तापमान ये है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप चाहो तो इसे डिसेबल भी कर सकते हो। डिसेबल करने के बाद आपका यूसी ब्राउज़र कुछ इस तरह से दिखेगा, और अगर आप चाहें तो इसे ऑन भी रहने देते हैं। मैं इसे आपको रिकमेंड करूंगा आप इसे ऑफ ही रखें, क्योंकि इससे ज़्यादा बैटरी ख़त्म होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मतलब नेट ज़्यादा प्रोसेस लेगा आपका। और देखिए दोस्तों, तीसरा जो ऑप्शन दे रखा है सेट एज डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र, जब भी हम किसी भी यूट्यूब की लिंक पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर हमेशा हमें पूछता है आप इसे किस तरह से खोलना चाहें, गूगल क्रोम से, यूसी ब्राउज़र से या फिर अपने ब्राउज़र से। तो हम इसे डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कर देते हैं, तो सीधा हमारे देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था ओपन विथ का जो ऑप्शन आता है गूगल क्रोम से या फिर बिडमेट से या फिर यूसी ब्राउज़र से, हम इसे यूसी ब्राउज़र से कर देते हैं। लेकिन बेसिकली हमें गूगल क्रोम की ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो हम अभी इसे इग्नोर कर देते हैं, अभी हम इस पर क्लिक नहीं करते हैं। और चौथा जो ऑप्शन है ब्राउजिंग सेटिंग, इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारे टैब दिए हुए हैं, तो इन टैब के बारे में मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ। पहला जो ऑप्शन है फॉन्ट एंड लेआउट, इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपको चारों तरफ जो बॉर्डर लाइन दिख रही है ये थोड़ी राउंड दिखेगी अगर आप इसे ऑफ कर देते हैं। तो टेक्स्ट ओनली जो ऑप्शन है, अगर आप मान लीजिए फेसबुक चलाते हैं तो आपको जो लोग जो अपने होम पेज में पोस्ट अपडेट करते हैं तो फोटो डालते हैं तो आपको फ़ोटो नहीं दिखेंगे, टेक्स्ट दिखेंगे ओनली, तो इसे ऑन कर देते हैं, लेकिन इसे ऑफ रहने दीजिए, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा। अब इसके जो क्लाउड बूस्ट का जो ऑप्शन है इसका ये यूज़ है कि देखिए दोस्तों, जब हमें फास्ट इंटरनेट चाहिए होता है, मान लीजिए हम कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं तो फास्ट इंटरनेट चाहिए होने के लिए, मान लीजिए बीच में हमारा नेट चला गया या फिर हम वाईफाई से कनेक्ट करते हैं तो सेम स्पीड पे ये दोबारा कनेक्ट हो जाता है, तो हम इसे मोबाइल नेटवर्क और वाईफाई नेटवर्क दोनों पे क्लिक रहने देते हैं।
और जो चौथा पेज है दोस्तों, चौथा जो ऑप्शन है उस पे हम क्लिक करते हैं प्रीलोड पेज। तो ये जो वेब पेजेस होते हैं, वेबसाइट के जो पेज होते हैं उन्हें ही रीलोड करें या फिर ओल्ड पेजेस को रीलोड करें, तो हम इसे ओल्ड पेजेस कर देते हैं। बहुत से लोग इसे डिसेबल भी रखते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि ये ओल्ड पेजेस के लिए बहुत ज़रूरी है, तो हम इसे ओल्ड पेजेस रहने देते हैं। अब ये जो चौथा ऑप्शन, ये पाँचवा ऑप्शन है ऑटो पेजर, इस पे हम क्लिक करते हैं क्योंकि ये पेज को ऑटोमेटिक रीलोड कर देता है जब भी हम दूसरे या तीसरे पेज पर आते हैं। और ये छठा ऑप्शन है टैब व्यू। तो हमें देखिए दोस्तों, जो हमारे ये वाले जो टैब होते हैं, ये जो हमने टैब बनाए हैं बहुत सारे, इन टैब को हमें कार्ड व्यू में दिखाना है या फिर लिस्ट व्यू में। तो देखिए दोस्तों, फिर से मैं आपको जाकर दिखा देता हूँ ब्राउजिंग सेटिंग में टैब व्यू। तो ये देखिए लिस्ट व्यू। अब लिस्ट व्यू करने के बाद देखिए दोस्तों, हमारे लिस्ट व्यू में बन चुके हैं। अब इन्हें वापस चेंज करना है तो सेटिंग में जाकर ब्राउजिंग सेटिंग में टैब व्यू पे क्लिक करके कार्ड व्यू कर देते हैं। और इमेज क्वालिटी दोस्तों, हमें इसकी मीडियम में रहने देनी है क्योंकि हाई करने से ज़्यादा नेट यूज़ होगा और लो करने से फ़ोटो की क्वालिटी नहीं आएगी, तो इसे मीडियम ही रिकमेंड करता हूँ आपको। स्वाइप एंड फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये जो ऑप्शन होते हैं, ये ऑप्शन ये वाले होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई भी सर्च किया, देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो दे रखे हैं ऑप्शन, आपको इन दोनों ऑप्शन को कहते हैं स्वाइप बैकवर्ड और फॉरवर्ड। तो इन दोनों के लिए हमें उसे ऑन रहने देना है क्योंकि हमें आगे जाने में भी आसानी होती है और पीछे आने में भी आसानी होती है। तो हम इसे ऑन रहने देते हैं और रीओपन टैब ऑन स्टार्टअप। जब हमारा इस ब्राउज़र हम खोलते हैं दोबारा से, तो ये हमें उन्हीं पेज पर रीलोड कर देता है जो हमने लास्ट बार खोले थे। यहाँ पर अगला ऑप्शन है फॉर्म्स एंड पासवर्ड। ये जो हम पासवर्ड या फिर कुछ फॉर्म भरते हैं तो उनके हमें हमेशा परमिशन लेता है, ऑटो सेव या फिर सेव करने के लिए परमिशन लेता है। तो हम इनसे इन पे डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऑलवेज आस्क पर क्लिक कर रखा है। अगर हम चाहें तो हम इन्हें ऑटो सेव कर सकते हैं डायरेक्ट, ये सारे ऑप्शन सेव हो जाएंगे जो हमारे पासवर्ड होंगे सब। स्क्रॉल ऑप्शन में क्लिक करते हैं दोस्तों, देखिए स्क्रॉल ऑप्शन में टैब टू स्क्रॉल। अगर हम किसी वेबसाइट पर हम स्क्रॉल करते हैं तो साइड में एक बटन निकल कर आता है, उसके सहायता से हम स्क्रॉल आसानी से कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो वॉल्यूम की सहायता से भी कर सकते हैं। तो मैं इसे एक बार ओके कर देता हूं। ओके करने के बाद आगे देखते हैं दोस्तों, यहां पर ब्राइटनेस का ऑप्शन दे रखा है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं इसके, और अगर ऑटोमेटिक ब्राइटनेस रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। मैंने इसे थोड़ा सा बढ़ाया है। और यहाँ पर अगला ऑप्शन है जूम बटन। अगर आप चाहें तो किसी भी वेबसाइट या फिर जो फेसबुक की फ़ोटोज़ या फिर कोई वर्ड होता है, हम इसे जूम करके आसानी से देख सकते हैं। और एनिमेशन का ऑप्शन इसलिए दिया गया है, अगर हमें फेसबुक पे और वीडियोज़ यूट्यूब पे वीडियोज़ होते हैं उन्हें डायरेक्ट यूसी ब्राउज़र से ही ब्राउज़र में चलाने के लिए हम एनिमेशन ऑप्शन पे क्लिक रहने देते हैं। अगला ऑप्शन है स्टेटस बार। तो हमें स्टेटस बार शो करने के लिए, हमें देखिए दोस्तों यहाँ पर स्टेटस बार अब शो हो रहा है, गूगल सर्च ऑन इंटर यूआरएल, ये स्टेटस बार हमें ऊपर मिल रहा है। तो दोबारा से ब्राउजिंग सेटिंग में जाएंगे और यहाँ से टाइपिंग असिस्टेंट को ऑफ कर देते हैं क्योंकि ये हमें टाइपिंग करने के लिए थोड़ी बिल्कुल हेल्प नहीं करता, ये फ़ोन को लैग करता है। और दोस्तों यहाँ पर अगला ऑप्शन है चेंज लिंक कलर डिप क्लिक्ड। अगर हम जिस भी लिंक पे क्लिक करते हैं, फेसबुक पे क्लिक करते हैं, तो तुरंत फेसबुक का जो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर हमें देखिए जो ओपन लिंक का ऑप्शन दे रखा है, जो ओपन लिंक होती है हमें करंट टैब में खोलनी है या अगले पेज में खोलनी है, तो देखिए दोस्तों हमें करंट टैब में खोलनी है इसे। और यहाँ पर वेबसाइट प्रेफरेंस यूए दे रखा है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए दोस्तों वापस से वैसे स्पीड मोड का ऑप्शन आ गया है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। यहाँ से हम इसे मोबाइल पे क्लिक करते हैं, सभी को मोबाइल पे क्लिक कर देते हैं क्योंकि डिफ़ॉल्ट हमें डेस्कटॉप वर्जन पे नहीं चाहिए, तो हम इसे मोबाइल पे ही क्लिक रहने देते हैं। अब अगला ऑप्शन है डाउनलोड सेटिंग का, इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखते हैं आप डाउनलोड पाथ ये कहाँ पर सेव होंगे अपने वीडियो, एसडी कार्ड के फोल्डर में, यूसी डाउनलोड फोल्डर में। और मैक्सिमम डाउनलोड 6 रहने, आप चाहें उतने रहने दे सकते हैं, आपके नेट की स्पीड पे निर्भर है कि आप कितना चीज़ एक बार में डाउनलोड कर सकते हैं। और अगला टास्क है न्यू टास्क, तो इस पर हम क्लिक करने के बाद ऑलवेज आस्क, जब हमें डाउनलोड के लिए पूछता है, मतलब डाउनलोड ऑप्शन हमारे सामने आता है कि इतना एमबी का है, डाउनलोड हो जाए कि नहीं, तो वो ऑप्शन अगर
आप चाहते हैं नहीं आए तो आप इसे डाउनलोड डायरेक्टली कर सकते हैं। मैं इसे ऑलवेज आस्क रहने देता हूँ, और जब नेट या फिर नेटवर्क चला जाता है, नेटवर्क वापस आता है तो ऑटोमेटिक रिकनेक्ट ऑप्शन पे क्लिक रहने देते हैं। जैसे कि कोई डाउनलोड हो रही है कोई फाइल, तो वो फाइल ऑटोमेटिक रीलोड हो जाएगी। दोस्तों वीडियो थोड़ी लेंदी हो गई है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और अगला ऑप्शन है नोटिफिकेशन का, तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। और अगला ऑप्शन है नोटिफिकेशन सेटिंग, तो हमें हमारे मोबाइल में नोटिफिकेशन जो भी आते हैं उन्हें ऑफ़ कर देते हैं, क्योंकि इससे हमें डिस्टर्ब होता है और ये किसी काम के भी नहीं होते। और यहाँ पर साइट नोटिफिकेशन में देखिए दोस्तों, यहाँ पर किसी भी वेबसाइट से हमें जो जो नोटिफिकेशन आती है वो वहाँ पर मिलती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये दे रखा है क्विक सर्च फेसबुक। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऊपर मेरे टैब में फेसबुक ऑप्शन जुड़ चुका है, मैंने इसको डिसेबल कर दिया है। और नीचे है सर्च की सर्च सेटिंग, तो सर्च सेटिंग में जब भी हम कोई चीज़ सर्च करते हैं तो रिलेटेड सर्चेस हमेशा आते हैं, तो हम इसे ऑफ़ कर देते हैं। अगला है यूसी न्यूज़ सेटिंग, अगर हम चाहें तो यूसी न्यूज़ को यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं और इसकी लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम यूसी सेटिंग करेंगे। ब्राउज़र लैंग्वेज, यहाँ पर लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, मैं इंग्लिश रहने देता हूँ। अगर हमें हिस्ट्री क्लियर करनी है तो देखिए, हिस्ट्री कैच फॉर्म्स और कुकीज़ पर हमने क्लिक किया और इसे क्लियर कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा क्लियर हो चुका है। और अगला है अकाउंट के बारे में, यूसी अकाउंट के बारे में, तो हम इसे डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। और अबाउट यूसी, तो आप देख सकते हैं यूसी ब्राउज़र के जो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहें अपना सेटिंग को दोबारा सही करना चाहते हैं, मतलब सारी सेटिंग को सही करना चाहते हैं, तो रिसेट टू डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से जो सेटिंग का ऑप्शन होता है यूसी ब्राउज़र में, उसको यूज़ करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में लगे इस बेल आइकन को भी दबा दें।